रेडमी नोट 4 के लिए लीनेज ओएस का फोर्क, जो लीनेज ओएस आता है 18.1, उसका बिल्ड आया हुआ था दिसंबर में, तो उसका रिव्यू नहीं किया था। तो फिलहाल अभी जो है यहाँ पे इसका भी रिव्यू हम यहाँ पे कर देते हैं, और क्या कुछ चेंजेस हुए थे और बैटरी एंड परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ा है उन सभी के बारे में भी बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा, क्या चेंज हुआ है क्या नहीं उन सभी के बारे में आपको पता चल जाएगा वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। एंड्रॉयड वर्जन 11 है, लीनेज ओएस 18.1 फोर्क है, वनीला जो कि 17 दिसंबर 2021 का है, और वनीला बिल्ड के साथ ये बिल्ड आता है। एंड सिक्योरिटी पैच दिसंबर 2021 का अपडेट किया गया है, वेंडर भी जुलाई 2021 का अपडेट है। कर्नल स्कारलेट ही है, लेकिन ये पिछले वाले से अपडेटेड है, सेम कर्नल है लेकिन अपडेट किया गया। बाकी आपका नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पे हॉटस्पॉट के अंदर में जो क्लाइंट लिस्ट दिया गया हुआ है, ये पहले भी क्रैश करता था और अभी भी जो है ये क्रैश कर रहा था। इसका प्रॉब्लम सेम अभी पहले जैसे है, बाकी हॉटस्पॉट तो काम करता ही है। कनेक्टेड डिवाइस के अंदर कास्ट भी काम कर रहा है, ऐप एंड नोटिफिकेशन में जाते हो जैसे कि, तो यहाँ पे भी फोर्क लॉन्चर मिलता है जो कि सेम है बिल्कुल। और बैटरी की सेटिंग्स के अंदर भी हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता। लेकिन बैटरी की बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 73% बैटरी मिली है, जबकि पिछले अपडेट में 4 आवर नॉर्मल ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले किया था 62% मिली थी। तो पिछले हिसाब से अगर बताऊं तो 60% यहाँ पे देखने को मिल जाती। वहीं डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले के अंदर हालांकि आपके स्टाइल एंड वॉल पेपर्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं मिलता है, ग्रेड या क्लॉक अगर आप देखोगे सब कुछ सेम है, वॉल पेपर भी बिल्कुल सेम ही डिफॉल्ट मिल जाता है। और यहाँ पे लॉक स्क्रीन भी वैसे आपका सेम ही रहेगा, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नीचे आते हो तो नीचे यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा। सो स्टाइल ये सब पहले ही वाले था, लेकिन यहाँ पे क्यूएस पैनल के अंदर में वाइब्रेट ऑन टच का ऑप्शन न्यू है, डेली डाटा ये सब आपका सेम है, लेकिन यहाँ पे वाइब्रेट ऑन टच न्यू है जो कि टाइल पे टच करने पे वाइब्रेट होता है, तो एक ऑप्शन न्यू देखने को मिला है। बाकी जितने भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं सभी पहले वाले, पहले के बिल्ड में बता रखा हूँ, तो वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। एंड टॉर्च यहाँ पे ऐड कर दिया गया डिस्प्ले के अंदर में, जो कि पहले सिस्टम के अंदर हुआ करता था। और फिर साउंड की बात करते हैं तो साउंड के अंदर हालांकि कोई चेंज नहीं हुआ है, डायरेक्ट साउंड अभी भी जो फिलहाल मेरा ये काम नहीं करता, बाकी तो सब कुछ सेम ही देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। और सिक्योरिटी के अंदर चलते हैं तो सिक्योरिटी के अंदर भी सेटिंग में तो बिल्कुल भी चेंज नहीं है, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी है यहाँ पे फिंगरप्रिंट है वो अपडेट किया गया है, तो यहाँ पे फिलहाल आपका अच्छे से काम करा। और फेस अनलॉक भी वैसे अच्छे से ही काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी दिक्कत नहीं मिलती फेस अनलॉक के अंदर में भी, तो फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों अच्छे तरीके से वर्किंग रहेगा, तो यहाँ पे सेटिंग्स के मामले में भी कोई चेंज ऐसा नहीं मिलेगा। और डिजिटल वेबिंग भी फिलहाल अपना काम कर रहा है बिल्कुल इसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम के अंदर जाते हो यहाँ पे तो बटन दिया गया जिसमें आप नेविगेशन बार इनेबल कर पाओगे, बस आपको जेस्चर में जाकर फिर जेस्चर सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन आप हार्डवेयर बटन को यूज़ नहीं कर सकते साथ में। और बैक लाइट जो कि आपका हार्डवेयर बटन लाइट है, ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। और इसके अंदर भी वैसे सेटिंग में ना के बराबर कुछ भी चेंजेस नहीं है इस अपडेट में। स्टेटस बार भी वैसे आपका सेम ही रहेगा, तो इसके अंदर भी हमें कोई चेंज नहीं मिलता, ये भी सेम है। और जेस्चर के अंदर भी सब कुछ सेम ही मिल जाता है, पावर मेन्यू के अंदर से एडवांस रिस्टार्ट इनेबल कर पाओगे और स्वाइप टू स्क्रीनशॉट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा। और यहीं पे पहले टॉर्च का ऑप्शन था जो डिस्प्ले में हो गया, बाकी अपडेटर भी था पिछले अपडेट में, लेकिन अभी हमें अपडेटर देखने को नहीं मिलता। और स्टेटस बार की बात करें तो स्टेटस बार के अंदर आपके यहाँ पे हालांकि कोई भी चेंजेस नहीं मिलने वाला है, जितने टाइल्स पहले थे वही सेम टू सेम टाइल देखने को मिल जा रहे हैं। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स भी सेम है, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग की परफॉर्मेंस कैसे उसके बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो जैसे कि ये स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे जैसे कि पिछले अपडेट में बताया था कि यहाँ पे जो हल्का फुल्का लैग करता बिल्कुल लाइट सा है, उतना नहीं पता चलता, उसी तरीके से लैग अभी भी। और आपका जो वॉल्यूम पैनल है वो भी बिल्कुल सेम ही रहेगा, पावर मेन्यू भी सेम है। और ऐप ओपनिंग की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे ऐप ओपनिंग ज़रूर इंप्रूव हुआ है पहले के मुकाबले, पिछले अपडेट में हल्का हल्का लैग करता था कुछ एप्लीकेशन, लेकिन फिलहाल यहाँ पे तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, काफ़ी अच्छे से ओपन हो रहा है, तो ये इंप्रूव हुआ है यहाँ पे। बाकी ऑप्शन नीचे जो है वो सेम रहेंगे, रैम भी शो करता है पहले की तरह ही। और मेन आपका दिक्कत यहाँ पे मिलता है इसके डायलर के अंदर में, जो कि डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आता है, ये क्रैश कर जाता है और यहाँ पे फिर ये ब्लिंक करने लग जाता है, इसको झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इसके अंदर जो है एरोप्लेन मोड को आपको एक बार ऑन करना और ऑफ कर देना है, तो ये प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कॉलिंग करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे गूगल डायलर जो है सिंपली इंस्टॉल कर लेना, गूगल का फ़ोन जो आता है इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना और इसको सेट कर देना डिफ़ॉल्ट पे और इसका यूज़ करना, इस पर आपको दिक्कत बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, जो डिफ़ॉल्ट उसी पे प्रॉब्लम, बाकी इस पर नहीं मिलेगा। आपका वोल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल भी कर पाओगे, ब्लूटूथ ऑडियो मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पे ही काम कर रहा है, तो यहाँ पर दिक्कत ऐसी कोई आपको नहीं मिलेगी। और फिर बात करें कैमरे की तो डिफ़ॉल्ट कैमरा सेम रहेगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। और जीकेम भी यूज़ कर पाओगे, ऑडियो एफएक्स काम कर, एफएम भी वर्किंग है। ओके गूगल की बात करें तो इसका बग रहने वाला ये काम नहीं करता, बाकी म्यूज़िक प्लेयर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है।
और फिर प्ले स्टोर की तरफ चले तो प्ले स्टोर पहले भी सर्टिफाइड रहता था और अभी भी ये सर्टिफाइड ही है, तो यहाँ पे भी दिक्कत नहीं, सेफ्टी नेट पास है तो बैंकिंग ऐप आराम से यूज़ यहाँ पे कर पाओगे। और एंटूटू स्कोर अगर हम देखें तो 104,907 है, जबकि पिछले अपडेट में 108,000 था, तो थोड़ा सा ज़रूर कम हुआ लेकिन उससे मुझे नहीं लगता कुछ खास फ़र्क पड़ेगा। तो और गेमिंग की जो परफॉर्मेंस होने वाली है यानी कि ग्राफिक जो होने वाली है, वो स्मूथ पे हाई, बैलेंस पे मीडियम थिक रहेगी, तो हम स्मूथ एंड हाई पे खेलेंगे जैसे कि हमेशा खेलते हैं। और परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो परफॉर्मेंस जैसे पहले अच्छा मिल जाता था उसी तरीके से अभी भी परफॉर्मेंस अच्छी है इसके अंदर में, यानी कि स्कोर 4000 डाउन देखने को मिला बट उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा है। एंटूटू स्कोर कितना भी डाउन या ज़्यादा करे फिलहाल रोम में कुछ असर नहीं देखने को मिला, परफॉर्मेंस अभी भी फिलहाल पहले की तरह ही अच्छी मिल जाती है। बस फ़ोन डायलर जो है यूज़ कर लेना गूगल वाला जैसे कि आपको बताया, नहीं तो डिफ़ॉल्ट के साथ प्रॉब्लम आएगी, ये चीज़ जो है आप यूज़ कर लेना, बाकी तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी भी सिमिलर ही, हल्का सा ज़रूर डाउन देखने को मिली बैटरी 2%, लेकिन उससे भी उतना कुछ खास फ़र्क वैसे पड़ना नहीं चाहिए, सिमिलर ही समझ लो कि पहले जैसे हल्का फुल्का बस वैसे फ़र्क रहेगा, तो उतना ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं है। बाकी एंटूटू स्कोर अभी आपका हल्का सा डाउन ही हुआ लेकिन इसमें तो फिलहाल मुझे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिला है, सिमिलर ही परफॉर्मेंस लगी बिल्कुल पहले जैसी, पहले भी अच्छी थी और अभी भी अच्छी ही देखने को मिल जाती है। बाकी जो भी था आपको यहाँ पे बता दिया क्या कुछ चेंज हुआ है, तो बस यही था इस वीडियो के अंदर में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।